हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वंडर। आज है इवानका का बर्थडे एंड हम लोग आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं गणेश जी के टेंपल जाकर। गणेश जी इज माय मोस्ट फेवरेट गॉड और मुंबई के मोस्ट पॉपुलर टेंपल जो सिद्धिविनायक जी का टेंपल है वहां पे हम जा रहे हैं आज। हम लोग अराउंड 7 बजे अपने घर से निकल गए थे और मे बी 20 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। और आज के व्लॉग में आप देखोगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं लॉकडाउन के बाद सिद्धिविनायक जी के टेंपल विजिट करने में। मैं वहां जाकर सब डिटेल में आपको बता दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड काफ़ी सारी कॉन्टेंट लाती रहूँगी। टेम्पल विजिट करने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। COVID-19 का टाइम है और क्राउड मैनेज करने के लिए शायद ये डिसीजन लिया गया है। और एक दिन में 1000 डिवोटीज ही अलाउड है और ईच आर ओनली 100 डिवोटीज अलाउड है। बुक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करना पड़ेगा श्री सिद्धि विनायक गणपति टेम्पल का ऐप। ऐप डाउनलोड करके इसको ओपन करिए। इसमें आपको थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अपॉइंटमेंट बुकिंग, तो इसमें आपको जाना है। वैसे इसमें कोई भी पेमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा कोई पूजा बुक करना चाहते हो तो वो आप पे करके बुक कर सकते हो। यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शंस आपको दिख जाएगा। ये सारा रीड करके आपको नीचे का चेकबॉक्स क्लिक करना है। ऑल्सो फ्लावर्स कोकोनट वगैरह आप चढ़ा नहीं सकते हो अंदर, एंड लैपटॉप कैमरा एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अलाउड नहीं है। तो ये सब पढ़कर आपको चेक करना है और नेक्स्ट दबाना है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है डेट, जिस भी डेट पर आप जाना चाहते हो। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है नंबर ऑफ पर्सन और नीचे जो टाइम स्लॉट्स दिए गए हैं इसमें से आपको जो भी कन्वीनियंट टाइम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको दबाना है नेक्स्ट और उसके बाद आपको कंफर्म ऑप्शन आ जाएगा। कंफर्म ऑप्शन दबाते ही आपको एक QR कोड मिल जाएगा जो आपको एंट्री पर दिखानी पड़ेगी। तो हम आ गए हैं सिद्धिविनायक जी के टेंपल। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स की जो सेपरेट लाइन थी वो काफ़ी छोटी थी और जो कॉमन लाइन जो फैमिली के लिए थी काफ़ी बड़ी थी, तो हमने जो सेपरेट लाइन थी वो यूज़ करके एंट्री की। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं दर्शन करके आपसे मिलती हूँ। तो हमने दर्शन कर लिया है और ये महाप्रसाद भी ले लिया है। ये 20 रुपीज़ का मिलता है एक पैकेट जिसमें 2 लड्डूज़ होते हैं। मंदिर से बाहर निकलने के बाद हमको ये इडली वड़ा एंड पकोड़े के शॉप मिल गए, तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। हमने अपने लिए मंगा लिया है एक प्लेट मेदू वड़ा और काफ़ी गर्म वड़ा था और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। हमें एक और शॉप मिल गया जहाँ पे महाराष्ट्रियन एंड गुजराती स्नैक्स वगैरह मिल रहे थे, तो हमने भी मंगा लिया है एक पात्रा जिसको आलू वड़ी भी बोला जाता है। मुझे पात्रा बहुत ज़्यादा पसंद है और आज का हो गया अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट। तो अब मैं जा रही हूँ एंजॉय करने लड्डूज़। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।